नमस्ते बच्चों, मैं हूँ महेश्वरी भोयर, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग, वरोरा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सुलभ भारती पांचवी कक्षा की दूसरी कविता बूंदे। बूंदे कविता के कवि है रोहिताश्वा अस्थाना। बच्चों, कवि मतलब जानते हो? कवि मतलब जो कविता बनाते हैं, जो कविता की रचना करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पोएट भी कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो भारत के तीन ऋतुएं कौन से हैं, मतलब सीजन कौन से हैं? जी हाँ, भारत के तीन मुख्य ऋतु है सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु। इन तीनों ऋतुओं का अपना अपना अलग ही महत्व है, इसीलिए ये तीनों मुख्य ऋतुएं भी हैं। लेकिन इन तीनों में वर्षा ऋतु ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, यदि मैं आपको पूछूं कि आपका इन तीनों में से पसंदीदा ऋतु कौन सा है, तो अधिकतर सबको वर्षा ऋतु ही पसंद आती है। और आप जैसे छोटे बच्चों का भी फेवरेट मौसम वर्षा ऋतु ही होता है। बच्चे, जैसे जून महीना लगता है और पहली बारिश होती है, उस बारिश में हम अपने आप को भीगने से रोक नहीं पाते और भीगने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी बारिश की बूंदों का आनंद लेते हैं। जिस तरह हम इंसानों को बारिश का इंतज़ार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को भी बारिश का इंतज़ार होता है। बारिश के आने से पूरा वातावरण बदल जाता है, सभी जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, उसमें कवि ने भी बारिश के आगमन का बहुत अच्छा वर्णन किया है। बारिश के आने के बाद प्रकृति में क्या क्या बदल होते हैं, ये भी कवि ने इस कविता में बताया है। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। कवि कहते हैं, मानो बारिश की बूंदे जमीन पर जब गिरती है, तो उनके बरसने की आवाज रिमझिम रिमझिम आती है, और वो ऐसे लगता है कि वो गाती हुई ज़मीन पर आ रही है। मतलब रिमझिम रिमझिम गाती हुई बारिश की बूंदे ज़मीन पर आ रही है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। देखिए, ज़मीन पर वर्षा ऋतु का आगमन होता है, यानी इस बारिश की बूंदों का आगमन होता है, तो खेत बाग तथा मैदानों में हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मानो जैसे लगता है धरती ने हरे हरे रंग की साड़ी पहन ली हो। मानो ऐसा भी लगता है कि हरियाली फैलाने के लिए ही इन बूंदों का धरती पर आगमन हुआ है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाते बूंदे। धरती से प्रवास करते हुए बूंदे नालों नदियों में मिल जाती है, और आखिर में ये सभी बूंदे सागर में मिल जाती है। ठीक है।